Hello everyone, this is Ashish Jain. This is a continuation video lecture on income from salary. In the last video lecture, we have done the very basics of the income that we will consider under head salary. So, and we have covered one type of retirement benefit, that is leave encashment. And in this video lecture, we will cover another two types of retirement benefit, and the first one is, that is gratuity. And gratuity kya hota basically? This is also the part of the retirement benefit. So gratuity ka mainly jo matlab hai, wo ye hai ki employer basically aapko, jaise aapne maan lijiye, suppose you have worked इन अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और लाइक इन अ पर्टिकुलर जो भी आपका लाइक वर्क लाइफ था, ठीक है, आपने उस कंपनी में आपने काफ़ी टाइम जो है अपने सर्विस ईयर उसमें दिए, सपोज आपने जो है 30 ईयर्स अपने वहाँ अच्छे से दिए, एंड आफ्टर दी लाइक रिटायरमेंट यू एक्चुअली वॉन्ट कि आपको कुछ इसमें बेनिफिट मिले एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम दी एम्प्लॉयर. तो एम्प्लॉयर की भी देखिए अपने खुद की वैसे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जब कोई इतने लंबे टाइम के लिए जब कोई कोई पर्सन जो है रिटायर होता है, तो उसके आगे आने वाले टाइम के लिए कुछ जो है वो फाइनेंशियल जो है उसके लिए हेल्प कर देता है कैसे, तो दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्रेचुटी. अब ग्रेचुटी यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि प्राइवेट एम्प्लॉय देते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय देती है, दोनों ही देती हैं. वैसे तो मैक्सिमम केस में तो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय देती है, प्राइवेट तो कम ही देते हैं. इसलिए आजकल सब बोलते हैं कि भाई सरकारी जॉब सबसे बड़ी रहती है, वो ऐसे ही नहीं बोलते, वो इसी इसी वजह से देते हैं. जैसे देखिए हमने लीव एंकेशमेंट में देखा था कि अगर आपको लीव एंकेशमेंट अगर आप आफ्टर रिटायरमेंट जो भी आपको लमसम अमाउंट मिलेगा, ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो वो फुल एग्जेप्ट हो जाता है. ऐसे यहाँ पर देखा, आप यहाँ पर देखोगे ग्रेचुटी केस में भी, ठीक है, तो देखते हैं ग्रेचुटी. अगर मान लो आपको आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, ठीक है, और एक कम मिल रहा है आपको आपको अमाउंट आफ्टर द रिटायरमेंट, ये ड्यूरिंग जॉब नहीं मिलता, ये कम मिलता है ओनली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो वो पूरा पूरा क्या रहेगा आपका एग्जेम्प्ट, ये पूरा का पूरा आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट है. बट अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो राइट साइड में देखो यहाँ पर आपके दो केस खुल जाते हैं. मीन्स आपको देखना है ग्रेचुटी एक्ट की तरफ. ग्रेचुटी एक्ट है दैट इज 1972. दैट मीन्स जो आपका एम्प्लॉयर है, ठीक है, और जो आपको पैसे दे रहा है बाय वे ऑफ ग्रेचुटी, क्या वो जो ग्रेचुटी दे रहा है उसका जो एक्ट है क्या वो 1972 के अंडर कवर्ड है, हो रहा है या नहीं हो रहा. कवर्ड है तो ये केस होगा, कवर्ड नहीं है तो ये केस होगा, ऐसे देखना आपको, ठीक है. सो देख रहे हैं अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, देखिए आपको इस चार्ट को बहुत अच्छे समझना है. अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो फुल एग्जेम्प्ट है, बट अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो दो बात हो जाती है. पहली बात कि क्या आपका ग्रेचुटी एक्ट जो एम्प्लॉयर जो मेंटेन कर रहा है ग्रेचुटी एक्ट मेंटेन, वो क्या वो 1972 एक्ट के अकॉर्डिंग कवर्ड है या नहीं है. अगर कवर्ड नहीं है तो दैट मीन्स यू नीड टू फॉलो दिस, एंड कवर्ड है तो दैट मीन्स यू नीड टू फॉलो दिस, ठीक है. तो पहले हम देखते हैं लेफ्ट साइड, तो क्या देखना है आपको, देखिए मैंने क्या लिखा हुआ, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट. अगर मान लीजिए अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो और ग्रेचुटी एक्ट एम्प्लॉयर आपका जो मेंटेन कर रहा है वो बट 1972 एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा, तो इस केस में लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एग्जेम्प्ट, ठीक है. क्या क्या है वो, अमाउंट रिसीव्ड जितना आपको एम्प्लॉयर से अमाउंट मिला बाय वे ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ग्रेचुटी, तो अमाउंट रिसीव्ड मैक्सिमम लिमिट है इसकी 20 लाख. वैसे देखो देखा जाए तो एम्प्लॉयर आपको 20 लाख से ज़्यादा देता ही नहीं है, बहुत बहुत रेयर केस होगा, ऐसे नहीं दे नहीं सकता, दे सकता है बट वो देगा क्यों, देगा ही क्यों, जब गवर्नमेंट ने मैक्सिमम लिमिट ही तय करके 20 लाख की, तो वो उससे ज़्यादा देगा भी क्यों, ठीक है. मैक्सिमम लिमिट कितनी है 20 लाख की. थर्ड केस आपको इसमें छोटे से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी केस के, यहाँ पर थर्ड केस 15/30 का आपको प्रोपोर्शन लेना है डे सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस. 15/30 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर सर्विस, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर सर्विस एंड मल्टीप्लाई बाय सैलरी.
एंड याद रखना इसमें आपको फ्रैक्शन इग्नोर करना है। फ्रैक्शन इग्नोर करने से सपोज अगर आपने 25 साल 7 महीने काम किया, तो जो 7 महीने का जो फ्रैक्शन है वो आपको इग्नोर करना है, तो आपको 25 ईयर्स ही कंसिडर करना है। जैसे कि हमने लीव एनकैशमेंट के केस में कहा था, सिमिलर वही केस है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो फुल एग्जाम्ड, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो दो केस हो जाएंगे कि क्या एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी एक्ट को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा। कवर नहीं कर रहा तो आपको लेफ्ट साइड में देखना है, लेट मीन्स लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्ड, अमाउंट रिसीव्ड मैक्सिमम लिमिट 20 लाख एंड थर्ड पॉइंट इज 15/30 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर सर्विस मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी, राइट। एंड वी नीड टू इग्नोर फ्रैक्शन, ओके। चलिए अब लास्ट केस बात है, दैट मीन्स अगर ग्रेच्युटी एक्ट कवर्ड हो रहा है अंडर सेक्शन 19, सॉरी अंडर एक्ट 1972, तो आपको देखना है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, राइट साइड में लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एग्जेम्प्ट। सेम वही अमाउंट रिसीव्ड मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, बट इसमें प्रोपोर्शन यहाँ पर क्या होगा, 15/26 हो गया। वहाँ पे क्या था लेफ्ट साइड में 15/30, यहाँ पर क्या होगा 15/26, और ए को चेंज है यहाँ पर। अगर नंबर ऑफ ईयर सर्विस फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन अगर 6 मंथ से एक्सीड हो रहा है, तो आपको उसका पूरा मतलब उसको पूरा फ्रैक्शन क्या करना, आपको एक्सेस हो गया तो उसको पूरे एक कंप्लीट ईयर मानना है। जैसे मैंने आपको दिया था 25 साल 7 महीने, तो क्या मांगे चलोगे आप, 26 26 साल लेके चलोगे, तो 15/26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी, राइट। सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रेचुटी। यहाँ पर आपको क्या निकालना है बेसिकली, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछता है, इधर यू नीड टू कैलकुलेट द एग्जम्प्ट अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी और यू नीड टू फाइंड आउट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, ओके। तो चलिए इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल एग्जाम्पल। अमाउंट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयर एज ग्रेचुटी इज ₹8 लाख, 8 लाख रुपये मिले। ये मिले किसको, सपोज ये मिले मिस्टर एक्स को, एंड ये कहाँ से मिले, सपोज ये किसी एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड से मिले, दैट मीन दिस पर्सन इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड ही रिसीव्ड 8 लाख रुपीज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेचुटी। देन नंबर ऑफ ईयर्स सर्विसेज कितना है, दैट इज 20 ईयर्स एंड 8 मंथ्स। देन सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स इज 75,000 पर मंथ। देखिए आपको मैं एक बार सैलरी का मतलब सुनाता हूँ यहाँ पर क्या है। याद है मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चार्ट दिखाया था, इसमें आप ढूंढिए ग्रेचुटी, ये रहा फिफ्थ कॉलम ग्रेचुटी का, क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है इफ ग्रेचुटी कवर्ड अंडर 1972 एक्ट, तो सैलरी का मतलब क्या होगा, लास्ट ड्रोन बेसिक एंड डीए ओनली, लास्ट ड्रोन बेसिक एंड डीए ओनली, लास्ट ड्रोन बेसिक यानी कि बेसिक सैलरी प्लस डीए, बस यही दोनों कवर्ड होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा सैलरी का मतलब। देन अगर कवर्ड नहीं है एक्ट अकॉर्डिंग तो क्या लेना है, क्या लिखा है, सेम एज इन कॉलम नंबर टू। अब कॉलम नंबर टू क्या है यहाँ पर देखिए, दैट मीन्स एचआरए, दैट मीन्स हाउस रेंट अलाउंस में जो लिखा है वही यहाँ पर आएगा। क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, हाउस रेंट अलाउंस में बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी को लीजिए उसमें ऐड कीजिए डीए, बट डीए कौन सा लेना है, ओनली ओनली फॉर्म अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन इफ देर इज एनी कमीशन। अच्छा कमीशन दो तरह के होते हैं, या तो कमीशन का आपको अमाउंट गिवन होगा, या तो फिर कमीशन जो है टोटली डिपेंड होगा ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, तो परसेंटेज में गिवन होगा, तो कोई भी दोनों में से एक गिवन होगा, बट लेना आपको लेना चाहिए, ठीक है। मैं आपको फिर से सुनाता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या समझा रहा हूँ, में सैलरी का मतलब क्या, यानी कि आपको सैलरी कंसिडर क्या करना है, ठीक है, सैलरी कंसिडर क्या करना है। देखिए ध्यान से देखिए लास्ट में लिखा क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखिए ये वाला पॉइंट, आप जरा यहाँ पर देखिए इस पॉइंट में ये क्या लिखा है, आपको जो सैलरी लेने लेनी है आपको एवरेज सैलरी ड्रोन इन 10 मंथ्स प्रीसीडिंग द मंथ इन विच एम्प्लॉय रिटायर, ठीक है। ये किस किस में, जब ग्रेचुटी एक्ट कवर्ड नहीं है, किस किस में, जब ग्रेचुटी एक्ट कवर्ड नहीं है तो आपको क्या लेना है, आपको लेना है रिटायरमेंट से 1 महीने पहले से, जैसे मान लीजिए कोई जनवरी में रिटायर हुआ तो देख रहे हैं दिसंबर से हम 10 महीने काउंट करेंगे, और उस लास्ट 10 महीने में जितनी उसकी सैलरी है उसको एवरेज करेंगे। बट प्रॉब्लम यह है कि सैलरी में कौन क्या, सैलरी में आएगा क्या क्या,
क्योंकि देखिए हमने लास्ट वीडियो लेक्चर पढ़ा, सैलरी में सब कुछ आता है, बेसिक भी आता है, डी भी आता है, बोनस भी आता है, कमीशन भी आता है, अलाउंसेस भी आते हैं, परक्विजिट्स भी आते हैं, सब कुछ आता है। अब हमें सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करना है उसके लिए बताया है कि ये हमें देखना है सेम एज कॉलम नंबर टू। अब कॉलम नंबर टू में बताया क्या क्या लिखा हुआ है, देखिए बेसिक सैलरी में कंसिडर करना है, प्लस डी ओनली फॉर्म ओनली फॉर्म अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, प्लस हमें ऐड करना है कमीशन, दैट्स इट, बाकी सब वो इग्नोर करना है, राइट। बट अगर आप देखोगे अगर ग्रेच्युटी एक्ट कवर्ड हो रहा है तो उस केस में सैलरी का मतलब कुछ और है। सैलरी का मतलब है लास्ट ड्रोन बेसिक एंड डी ओनली, यानी कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन अगर जनवरी में रिटायर हुआ है तो उसके लास्ट मंथ की सैलरी हुई जो होगी, मान लीजिए 1 जनवरी को रिटायर हुआ है तो हम दिसंबर की सैलरी देखेंगे, उस दिसंबर में उसने उसकी लास्ट ड्रोन बेसिक प्लस डी देखेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं देखेंगे, राइट। तो इसलिए मैंने आपको ये चार्ट बना के दिया था कि यहाँ पर जो सैलरी का मीनिंग क्या क्या है ग्रेचुटी, राइट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, देखिए अगर देखा जाए तो ये मैंने क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक बनाया है, यानी आपको ना तो डी गिवन कुछ भी गिवन, आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं इसी क्वेश्चन को हम जो है दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो मतलब दोनों ही तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, दैट मीन्स व्हेन द ग्रेच्युटी कवर्ड अंडर 72 एंड वेरिटी नॉट नॉट कवर्ड, देखो उस पर आपको दोनों ही कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में समझ आ रहे हैं। तो पहले यहाँ लिख देते हैं ग्रेच्युटी एक्ट कवर्ड अंडर 1972 एक्ट, एंड यहाँ लिख देते हैं नॉट कवर्ड, ठीक है, दोनों ही केस इसको ले लेंगे ताकि आपको दोनों के समझ आ रहे हैं। तो पहले देखते हैं कवर्ड, अगर कवर्ड हो रहा है ठीक है, तो उसके हम देखते हैं 3 पॉइंट होता थे, पहला होता है अमाउंट रिसीव्ड दैट इज 8 लाख, देन सेकेंड पॉइंट इज दैट इज मैक्सिमम लिमिट अमाउंट इन रुपीज 20 लाख, राइट, एंड द थर्ड पॉइंट इज क्या होता है आपका 15/26 मल्टीप्लाई बाय सैलरी। देखिए कवर्ड है, पहले हमें देखते हैं टेप उस चार्ट के अकॉर्डिंग सैलरी का मतलब क्या है, अगर कवर्ड होता है तो, अगर कवर्ड है तो लिखा हमें लास्ट ड्रोन बेसिक एंड डी ओनली, लास्ट ड्रोन बेसिक प्लस डी ओनली, बट हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है सैलरी गिवन है आपको लास्ट 10 मंथ्स की कितनी 70,000 पर मंथ। अब हमें पता ही नहीं सैलरी में क्या क्या मुड़ा है, हमें पता नहीं, अब देखिए सैलरी में कुछ भी हो सकता है भाई, बेसिक भी होता है, डी भी होता है, सब कुछ है, बट यहाँ पर सिर्फ सैलरी गिवन है, तो अब हमें पूरा अमाउंट ही कंसिडर करना पड़ेगा उसमें। सो उसको मंथली करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 75,000, राइट, एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर सर्विस। जब कवर्ड होता है तो नंबर ऑफ ईयर सर्विस क्या लेते हैं, देखिए मैं चार्ट में बताता हूँ, जब कवर्ड होता है तो हमें क्या लेना है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर सर्विसेज, एंड अगर कोई फ्रैक्शन है 6 मंथ एक्सीड कर रहा है तो वी नीड टू कंसिडर 1 ईयर कम्प्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर कितना कम कर देगी, 21 + 8 मंथ्स, सो दैट मीन्स वी विल टेक 21 ईयर्स, राइट। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, द अमाउंट इन दिस केस जो थर्ड पॉइंट लिखा वो क्या है आपका 9,08,654, ठीक है। क्या था इसमें, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एग्जेम्प्ट, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एग्जेम्प्ट, तो अगर हम एग्जेम्प्ट अमाउंट आएगा तो कितना आएगा, वो यही आएगा, ठीक है। एंड अगर हम टैक्सेबल अमाउंट निकालें तो टैक्सेबल कितना होगा, देखिए मिला कितना था 8 लाख, इसमें से एग्जेम्प्ट माइनस कर देंगे 8 लाख ही था, सो दैट मीन्स टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी वुड बी नील, ठीक है। देन अगर कवर्ड नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, पहले लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट दैट इज अमाउंट रिसीव्ड 8 लाख, देन मैक्सिमम लिमिट दैट इज 20 लाख, एंड द थर्ड पॉइंट इज करेंगे फ्रैक्शन करेंगे हम 15/30 मल्टीप्लाई बाय सैलरी। और यहाँ पर देखिए फिर से सैलरी का मतलब देखो, यहाँ पर सैलरी का मतलब यहाँ पर देखिए हमें लेना है लास्ट 10 मंथ्स की हमें एवरेज सैलरी लेनी है, ठीक है। और सैलरी का मतलब यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर
एचआर में देखना आपको करोड़ नंबर टू में बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, बट हमें कुछ भी गिवन नहीं है तो हमें पूरी ही सैलरी को कंसिडर करना पड़ेगा, और हमें एवरेज भी गिवन है तो हमें यही लेना पड़ेगा, दैट इज 75,000, 75,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। यहाँ पर आपको फ्रैक्शन इग्नोर करने हैं, तो नंबर ऑफ ईयर सर्विस कितने हो गए, दैट इज 20, राइट। इसमें कितना आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा आपका अमाउंट दैट इज 7,50,000, राइट। सो देखिए इसमें आपका जो एग्जैक्ट अमाउंट होगा कितना होगा, 7,50,000। सो दैट मीन्स टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी वो कितना होगा, रिसीव्ड 8 लाख माइनस एग्जाम 7,50,000, सो दैट मीन्स टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी वुड बी 50,000, राइट। सो दिस इज द वे ऑफ टेबिटिंग दी एग्जाम्ड अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी और टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी। ये जो मैंने केस है तो वो बहुत सिंपल ही है, बिकॉज द थिंग इज दैट आई एम रिकॉर्डिंग दिस चैप्टर ओनली जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज, ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाए, बट द थिंग इज दैट वी विल डू लॉट ऑफ एडवांस क्वेश्चन ऑन दिस इन द लाइव लेक्चर ओनली, ठीक है। तो हम लाइव लेक्चर इसके से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ये सिर्फ आपके लिए से बेसिक क्वेश्चन था। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड पेंशन। पेंशन देखिए नाम से पता है आपको, अच्छे से पता है आपको पेंशन क्या होती है, दैट इज दिस इज दी अनदर टाइप ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट दैट एवरी एम्प्लॉय गेट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो देखिए यहाँ पर पेंशन जो है दो तरह की होती है, फर्स्ट वन इज अनकमिटेड एंड सेकेंड वन इज कमिटेड। मतलब क्या है, अनकमिटेड मीन्स आपको सैलरी मिल रही है पर मंथ के हिसाब से। देखिए वैसे तो देखिए होता क्या है, ये कॉल होती है एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग, कि एम्प्लॉय अपनी जो पेंशन जो भी उसका अमाउंट जितना एक्यूमेटेड अमाउंटेड अमाउंट है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, क्या वो उसको एक साथ सारा ड्रॉ करना चाह रहा है या रिटायरमेंट के बाद वो पर मंथ लेना चाह रहा है, वो उसके ऊपर है, ठीक है। तो अगर वो पर मंथ लेना चाह रहा है दैट इज उसको हम क्या बोलेंगे, अनकमिटेड पेंशन। बट अगर वो सारी एक साथ निकाल रहा है, लमसम अमाउंट ले रहा है, सो दैट इज कॉल्ड कमिटेड पेंशन, राइट। सो अगर एम्प्लॉय अगर पेंशन विड्रॉ कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ अनकमिटेड पेंशन, सो इट इज ऑलवेज टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉय। ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉय मीन्स चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, टैक्सेबल सबके लिए है, राइट। नाउ कम टू द पॉइंट दैट इज कम्यूटेड मीन्स लमसम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगेन दो बातें हो जाएंगी, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर फुल्ली एग्जेम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यू नीड टू फॉलो दीज स्टेप्स। देखिए मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाई करके ये चार्ट बना के दे रहा हूँ आपको इस सबके, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पेंशन दो तरीके होती हैं, अनकमिटेड एंड कमिटेड। अनकमिटेड मीन्स पर मंथ पेंशन, और देखिए पर मंथ जैसे सैलरी मिलती है वैसे पर मंथ पेंशन मिल रही है, तो सब मतलब वो तो पूरा टैक्सेबल ही होगा पर मंथ जो भी मिल रहा है, ठीक है। बट जैसे ही लमसम आता है तो आपको देखना है कि जो पर्सन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फिर एग्जाम्ड, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई देन यू टू फॉलो दी स्टेप्स। अब ये स्टेप्स जरा ध्यान से देखिए, पहला स्टेप है, अच्छा यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, सॉरी, स्टेप्स हैं 1, 2 एंड 3। फर्स्ट स्टेप क्या आपका, कैलकुलेट 100% पेंशन ऑफ कम्यूटेड वैल्यू। मतलब क्या है सर, मतलब हम समझे नहीं 100% अमाउंट। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर कोई एम्प्लॉई सपोज जनवरी में रिटायर हुआ, सपोज चलो मान लीजिए जुलाई में रिटायर हुआ, ठीक है। अब जुलाई के बाद दिसंबर तक तो उसने पेंशन जो है वो अनकमिटेड थी, सो दैट मीन्स अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 मंथ्स उसने जो अनकमिटेड पेंशन उसने रिसीव करी और वो उसका टैक्सेबल होगा। बाद में सोचा कि चलो नया साल आ गया, अब मैं इसको ना कुछ पेंशन को मैं अब ज़रूरत भी है तो उसको कुछ पेंशन उसने कम्यूटेड करा लिया। मान लीजिए 60% उसकी जो पेंशन था जितना भी पेंशन था उसने उसको क्या कर लिया, कम्यूटेड करा लिया, एंड देन रेस्ट 40% इज अनकम्यूटेड, राइट।
तो इस केस में अगर कुछ ऐसा केस आता है देन इन दिस केस द फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, यू नीड टू कैलकुलेट 100% पेंशन ऑफ कमिटेड वैल्यू। अभी मैंने सिर्फ आपको जो है ओरली समझाया है, अभी हम इसके एग्जाम्पल करेंगे तब तो आपको इसके और क्लेरिफिकेशन हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट इज इफ नो ग्रेच्युटी इज रिसीव्ड। देखिए एम्प्लॉय जब रिटायर होता है तो उसको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे लीव इंगेजमेंट, ग्रेच्युटी, एंड हमने ये पढ़ा भी, ठीक है, अभी तो प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, ठीक है। तो अगर या इस केस में बोला है कि अगर एम्प्लॉय ग्रेच्युटी भी रिसीव कर रहा है तो क्या होगा, हाफ, सॉरी अगर ग्रेच्युटी नहीं मिल रही, सॉरी अगर हाफ उसको ग्रेच्युटी नहीं मिल रही तो हाफ ऑफ द फर्स्ट स्टेप वुड बी एग्जेम्प्ट। यहाँ पर अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, हाफ कुछ भी हो सकता है, 100% अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर बोला है फर्स्ट स्टेप का हाफ लो और वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर ग्रेच्युटी में नहीं मिल रही तो। थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में देखना है अगर ग्रेच्युटी मिल रही होगी तो कितना होगा, 1/3 ऑफ द फर्स्ट स्टेप वुड बी एग्जेम्प्ट, ठीक है। सो दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ पेंशन। चलिए इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं ताकि आपको छोटी सी इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाए कि इसको हम करते हैं किस तरीके से हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पेंशन टैक्सेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 टू 2022 इन द फॉलोइंग केसेस। देखिए अगर असेसमेंट ईयर हमारा 21 टू 2022 है सो दैट मीन्स हमें एक प्रीवियस ईयर का लेना है, दैट इज 2022-21, राइट। तो देखिए फर्स्ट केस क्या है, एक्स रिसीव्स 825 पर मंथ एज पेंशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021। तो ये क्या होगा केस आपका, पहले तो देखना है कि कौन सा एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये कौन सी पेंशन है। हमें पहले देखना है कि पेंशन की टाइप्स कितने, दो टाइप्स के, फर्स्ट वन इज अनकमिटेड एंड सेकेंड वन इज कमिटेड। अगर अनकमिटेड है दैट वुड बी टैक्सेबल फॉर ऑल दी एम्प्लॉयज, ठीक है। सो इस केस में आपको जो क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, यहाँ देखिए आपको पहले लिखना है आपको फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है, एंड अमाउंट क्या होगा आपका 825 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज इक्वल टू 9,900, दैट्स इट, अनकमिटेड पेंशन है। देन लिखा है बी पॉइंट में एक्स रिसीव्स 1,063 पर मंथ है, अगेन टैक्सेबल है, तो आगे पढ़ लेते हैं एक बार, फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। कन्फ्यूजिंग दिया हुआ है, पहले केस में सेंट्रल गवर्नमेंट था एंड सेकेंड केस में आपको स्टेट गवर्नमेंट है, तो कोई भी एम्प्लॉयर तो कोई भी हो, यहाँ पर आपको आपकी पेंशन का टाइप क्या है, अनकमिटेड, तो वो क्या होगा आपका फुल्ली टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल। अमाउंट क्या होगा आपका 1,063 मल्टीप्लाई बाय 12, ऑल राइट, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 12,756। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट सी पॉइंट, एक्स रिसीव्स 800 पर मंथ एज पेंशन, अगेन पर मंथ है तो टैक्सेबल होगा, आगे पढ़ते हैं, फ्रॉम ABC लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इन द प्राइवेट सेक्टर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर दिस, तो कुछ करना ही नहीं है, आंख बंद करके भैया फुली टैक्सेबल कर दो, पर मंथ मिल रहा है दैट इज अनकमिटेड, फुली टैक्सेबल 800 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज इक्वल टू 9,600। मूव ऑन टू नेक्स्ट डी पॉइंट, एक्स रिटायर फ्रॉम एक्स प्राइवेट लिमिटेड सर्विस ऑन 31 मई 2020, ही गेट्स पेंशन ऑफ ₹900 पर मंथ अप टू नवंबर 30 नवंबर 2020 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2020, ही गेट्स 1/3 ऑफ द ऑफिस पेंशन कमिटेड फॉर 46,000। देखो जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था वही आ गया केस। देखो क्या है यहाँ पर, पहले तो वही आपको आइडेंटिफाई करना है पेंशन का टाइप क्या है, अनकमिटेड या कमिटेड, क्या लिखा है यहाँ पर। देखिए रिटायर क्या, वो 31 मई 2020 को वो रिटायर हो गया, इट मीन फ्रॉम 1 जून ऑनवर्ड्स ही इज एंटाइटेड टू गेट पेंशन। अब वो पेंशन दो तरीके होती है, या तो कमिटेड या फिर अनकमिटेड। क्या लिखा है, ही गेट्स पेंशन ऑफ ₹900 पर मंथ, उसको अनकमिटेड पेंशन मिल रही है,
बट कब तक मिल रही है इसको? 30 नवंबर तक, दैट मीन्स जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 मंथ्स की उसको क्या मिला है? अनकम्यूटेड पेंशन मिली है। तो पहले तो एक बार यही कर देते हैं, ठीक है? तो क्या करेंगे, जैसे लिखेंगे अप टू, इसको मैं नीचे सॉल्व कर देता हूँ डी पॉइंट को, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए इसका, ठीक है? इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे अनकम्यूटेड, अनकम्यूटेड पेंशन किस तरह मिली देखिए इसको, उसको मिली कितनी, 900 मिली इसको फॉर दिस 6 मंथ्स। सो ये आपका टैक्सेबल अमाउंट आ गया क्या अनकम्यूटेड का। इसके बाद लिखा है, अच्छा यहाँ पर लिख भी देते हैं, यहाँ पर मैं ऊपर ये था फ्रॉम 1 जून 2020 टिल 30 नवंबर 2020, राइट? अब लिखा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2020 ही गेट्स 1/3 ऑफ हिज पेंशन कमिटेड फॉर ₹46,000। उसने देखिए क्या करा लिया, उसने वन अपने जो कमिटेड पेंशन है उसको इतना अमाउंट मिला जो कि 1/3 पेंशन का अमाउंट है, ठीक है? तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर टिल दिसंबर है, देखिए क्या क्या करेंगे, देखिए ये क्या लिखा है यहाँ पर ध्यान से, ये लिखा है 1/3, ये जो अमाउंट है उसको 1/3 है, तो दैट मीन्स 2/3 उसको अभी भी मिल रहा होगा, 2/3 अमाउंट उसको अभी भी तो मिल रहा होगा। वो किस भी मिल रहा है, अनकमिटेड में मिल रहा है। मैं फिर से वो रिपीट कर रहा हूँ, लिखा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2020 ही गेट्स 1/3 ऑफ हिज पेंशन कमिटेड। ये जो अमाउंट है 46,000, ये एक लमसम अमाउंट का 1/3 है, सो दैट मीन्स 2/3 उसको अभी भी पर मंथ मिल रहा होगा। तो वो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए वैसे तो उसको पेंशन कितनी थी 900, इसका उसको 2/3 ही मिल रहा है अब तक, तो कितने महीने का मिलेगा, अब उसके बाद कितने महीने रह गए, देखिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, उस प्रीवियस ईयर में 4 महीने रह गए, मल्टीप्लाई बाय 4, सो दैट इज इक्वल टू 2400, राइट? तो यहाँ पर देखिए जो अनकमिटेड पेंशन वो कितनी है टोटल, 7800, 7800, राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, कैलकुलेट 100% अमाउंट, देखिए पहले क्या था, कैलकुलेट 100% पेंशन कम्यूटेड अमाउंट। तो देखिए ये 46,000 क्या है, ये तो 1/3 है, ये तो 1/3 है ना, यस क्लास, ये तो 1/3 है आपका, जस्ट अ मिनट, यस, जो 46,000 अमाउंट है ये तो आपका 1/3 है, तो पूरा अमाउंट कितना होगा, 3/1, सो तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, सो दैट मीन्स यू विल गेट 1,38,000, 1,38,000, राइट? जस्ट अ मिनट क्लास, अच्छा फिर करना आपको ग्रेचुटी ये मिल रहा है या तो नहीं मिल रहा, बट यहाँ पर ऐसे कुछ मेंशन है आपको, आपको तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है कि ग्रेचुटी मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सॉरी सॉरी, आप ना एक काम करो, ये सॉरी ये ऐसा नहीं होगा, सॉरी 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 सॉरी, पहले क्या करना है, कम्युनिटी पेंशन में आपको यहाँ पर लिखना है अमाउंट कितना रिसीव हो आपको, अमाउंट रिसीव लमसम इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिटी पेंशन कितना मिला आपको, 46,000 मिला, ठीक है? उसके बाद जो ये मैंने जो स्टेप लिखी है तो एग्जम्पशन क्या है ना, यहाँ पर शायद हाँ एग्जम्पशन क्या है आपको, तो देखिए एग्जम्प्ट कैसे करेंगे, माइनस एग्जम्प्ट किस तरीके से करोगे इसको आप, जो मैंने कहा वो फर्स्ट यूनिट कैलकुलेट 46,000 मल्टीप्लाई बाय 3/1 ये करोगे तब आपको कितना आएगा, 1,38,000, बट वो इससे ज़्यादा है तो आपको मैक्सिमम पूरी ही मिलेगी 46,000 की, सो दैट मीन्स आपका इसमें टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, दैट इज नील, ठीक है?
तो दैट मीन्स इन दिस केस आपका जो टैक्सेबल अमाउंट होगा पेंशन का वो कितना होगा, ओनली 7,800। ओके, नंबर वन टू ई पार्ट, एक्स रिटायर फ्रॉम एबीसी कंपनी ऑन जून 30 जून 2020, ही गेट्स पेंशन 2,000 पर मंथ अप टू जन 31 जन 2021। सो दैट मीन्स फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी, दैट मीन्स 7 मंथ्स उसको जो है अनकम्प्लीट पेंशन मिल दे रही है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फेब 2021, ही गेट्स 60% ऑफ द पेंशन कम्यूटेड फॉर ₹40,800। आगे पीछे डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ ही गेट्स ग्रेचुटी ऑल्सो। सो देखिए ई पॉइंट कैसे करेंगे, मैं यहाँ राइट साइड में कवर कर देता हूँ। ई पॉइंट तो पहले तो लिखेंगे हम वही अनकमिटेड पेंशन, दैट मीन्स परमानेंट पेंशन कितनी मिल रही थी इसको, 2,000 फॉर 7 मंथ्स, दैट इज इक्वल टू 14,000, ये तो मिल ही रहा था। उसके बाद उसने क्या करा, 60% पेंशन का उसने कम्यूट करा लिया, जो कि कितना मिला उसको 40,800। सो दैट मीन्स 2,000 का 40% उसको अभी भी मिल रहा होगा, कितने महीने के मिल रहा होगा, फरवरी मार्च 2 महीने के लिए उसको मिल रहा होगा, राइट? यही तो हो रहा होगा, और क्या इतना होगा। सो दैट इज इक्वल टू 800 × 2, दैट इज 1,600। सो दैट मीन्स अनकम्प्लीट पेंशन कितना है, 15,600। नाउ कम टू कम्यूटेड पेंशन, कम्प्लीटेड पेंशन में करना, पहले आपको लिखना है अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट कितना रिसीव हुआ 40,800। उसके बाद जब आप एग्जेम्प्ट निकालोगे, लेस एग्जेम्प्ट, तो उसके लिए क्या करें, स्टेप क्या होगा, फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट दी 100% अमाउंट कैसे निकालोगे। ये जो 40,800 है ये कितना आपका, यहाँ पर देखो पहले क्या, ही गेट 60% ऑफ द पेंशन कम्प्लीट, 60% अमाउंट है आपका ये, तो 100% अमाउंट कितना होगा आपका ये, मल्टीप्लाई बाय 100 / 60 ऐसे निकालोगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा होता, अगर ग्रेचुटी नहीं मिल रही तो हाफ ऑफ द फर्स्ट हाफ वुड बी एग्जाम। तो पहले किस देखें कि ग्रेचुटी मिल रही है तो उसका हाफ ही कर देंगे। ठीक है, सो दैट मीन्स दिट वुड बी इक्वल टू 34,000। सो ये 34,000 एग्जाम हो जाएगा एंड द रेस्ट वुड बी टैक्सेबल, दैट इज 6,800। ठीक है, ये मैंने कौन सा केस लिया है, अगर ग्रेचुटी उसको नहीं मिल रही, अगर मिल रही होगी तो क्या केस हो जाएगा इसमें, देखिए अमाउंट रिसीव सेम ही होगा, दैट इज 40,800। एग्जेम्प्ट क्या करेंगे, देखिए माइनस एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर यूनिट कैलकुलेट 100% अमाउंट, सो 40,800 मल्टीप्लाई बाय 100 / 60। उसके बाद एग्जेम्प्ट का क्या लगाओगे, थर्ड वाला आ जाएगा आपका, दैट इज व्हेन द ग्रेच्युटी आल्सो रिसीव्ड, तो क्या करेंगे, 1/3 ऑफ अमाउंट ऑफ दिस अमाउंट वुड बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, सो 1/3 वुड बी 22,666, राइट? सो दैट मीन्स द रिमेनिंग अमाउंट विल बी टैक्सेबल, दैट इज 18,134। ये आपका टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है। राइट, सो दिस इज द ग्रेचुटी। सो देखिए यहाँ पर आपके आने जो ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट वंस यू डू सम प्रैक्टिस ऑन दिस यू विल बेटर अंडरस्टैंड, बिकॉज इनकम टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है दैट ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक बार कर लिया तो दैट्स इट, नहीं, अगर आपको दिमाग में अच्छे से बिठाना है यू नीड टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, राइट? सो क्लास विद दिस आई हैव फिनिश्ड 3 रिटायरमेंट बेनिफिट, दैट इज लिविंग एंकैशमेंट, ग्रेचुटी एंड द पेंशन। ओके,
So in the next lecture video we will cover some more points. So class, I hope you have understood very well. Thank you.